दर्शकों, मैं हूँ प्रज्ञा। आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखा दें जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। बाघिन सहित दो शावकों की मौत। महाराष्ट्र के चिमूर वन परिक्षेत्र से छठे शंकरपुर वन क्षेत्र के मेटेगांव पार्क के पास एक नाले में तीन बाघों की शव मिली है। घटना सोमवार की सुबह सामने आई। इनमें एक बाघिन व उसके दो शावक है। शावक 8 से 9 महीने होने का अनुमान है। जानकारी के अनुसार मेटे गांव के पास एक तालाब के पास स्थित जामुन के पेड़ से कुछ लोग जामुन तोड़ने ऊपर चढ़े थे, तभी उनके पास के नाले में तीन बाघों की शव दिखाई दी। लोगों ने इसकी जानकारी फौरन शंकरपुर के पर्यावरण विद मंडल व वन्य जीवन प्रेमी अमोद गोरकर को दी। अमोद गोरकर ने घटना स्थल पर जाकर देखा तो तीन बाघों के साथ एक चीतल भी कुछ ही देर पर मृत पड़ा था। चीतल के दोनों पैर टूटे हुए थे। अनुमान लगाया जा रहा है चीतल शिकार करने व इसमें विष बाधा होने के कारण बाघिन व उसके शावकों की मौत हुई है। ब्रह्मपुरी वन विभाग के DFO कुलराज सिंह ने चिमूर के वन परिक्षेत्र अधिकारी चिवड़े घटना स्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है, तो भी ग्रामीणों ने भी घटना स्थल पर काफी भीड़ लगाई रखी है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।